नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। इस वक्त चारों ओर आईपीएल की धूम है और आईपीएल में सबसे ज्यादा धूम मचा रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर, जो कि इस वक्त सीधी बात कार्यक्रम में मेरे साथ हैं। आज तक में आपका स्वागत है। आपके आने से पहले केकेआर का आईपीएल में रिकॉर्ड बड़ा खराब था, टीम लगातार हारती चली जा रही थी। जब से आप आए हैं टीम का परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो गया है और कई सारे लोग आपकी कप्तानी की खूब तारीफ करे होंगे। आप काफी संतुष्ट हैं जिस तरह के रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं उससे? लोग, मैंने हमेशा एक चीज बिलीव करी है दैट कैप्टन है तो नहीं एज गुड एज टीम। अकेला कैप्टन आपको मैचेस नहीं जिताता। आई थिंक 11 लोग जो फील्ड पर उतरते हैं वो आपको मैचेस जिताते हैं और इंडिविजुअल सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टीम मैचेस जिताती है। तो आई थिंक मेरा हमेशा ये स्टैंड रहा है कि कैप्टन है तो नहीं एज गुड एज टीम, लेकिन क्या बदला है आपने? क्योंकि कोलकाता के लोग, कोलकाता टीम के मालिक शाहरुख खान, हमेशा लगता था कि हमारी टीम इतनी स्टाइलिश है, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, कभी जेल नहीं कर पाती थी, फील्ड पर उतर के परफॉर्मेंस नहीं दे पाती थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि केकेआर इज नॉट अबाउट मी और अबाउट शाहरुख खान और अबाउट जैक कॉलिंस। आई थिंक केकेआर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सब लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, फ्रॉम द सपोर्ट स्टाफ टू ऑल द प्लेयर्स टू द ओनर्स, आई थिंक केकेआर इज दैट। हर इंसान का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है और जब तक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तब तक टीम सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो जब से मैंने टेक ओवर किया है द ओनली थिंग दैट आई ट्राई टू कन्वे टू द प्लेयर्स कि सबको एक रहकर खेलना है। ब्रेट ली ने कहा कि आप बड़े जबरदस्त कप्तान हैं, इतना अच्छा कप्तान उन्होंने देखा नहीं। शाहरुख खान ने भी कहा कि जितने भी मैंने कप्तान देखे हैं उनमें सबसे अच्छा गौतम गंभीर। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सौरव गांगुली पे निशाना था उनका? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन है मेरा या सौरव गांगुली का या मेरा किसी से भी। सब अलग तरीके के कप्तान है, सब अलग तरीके से कप्तानी करते हैं, सबके अलग तरीके हैं कप्तानी करने के। तो जो मेरा तरीका है होपफुली अभी तक वो सक्सेसफुल रहा है, होपफुली आगे भी सक्सेसफुल रहेगा। बिकॉज मैंने आज जो पहले बोला है कि मैंने हमेशा यही कोशिश करी है, टीम को आगे रखा है इंडिविजुअल से, और आगे भी मैं यही करूंगा। बिकॉज कोई भी टीम, कोई भी इंडिविजुअल टीम से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी कप्तान हो। आई थिंक टीम सबसे बड़ी है। अनफॉर्चुनेटली मैं टीम स्पोर्ट खेलता हूँ, टीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इंडिविजुअल। तो शाहरुख खान का टीम में कितना योगदान है, कितना इन्वॉल्वमेंट है? बाउंड्री के बाहर तो खूब कूदते रहते हैं, टीम को चेयर करते रहते हैं, लेकिन मैच के बाद कितना उनका योगदान है? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी चीज शाहरुख की है कि वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। आई थिंक क्रिकेट मैटर्स में जो क्रिकेट मैनेज करते हैं उनको दे रखा है, तो देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम हिज साइड एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग, ग्रेट क्वालिटी अबाउट हिम। और बींग कमिंग फ्रॉम अ लाइक performing world, he knows the ups and downs of being in a on such a stage. So ek achhi cheez ye hai ki he knows the lows and highs of any professional. So kabhi aisa interfere nahi kiya, agar kabhi my team hari bhi hai to he is not reacted in an extreme way. I think bahut balanced rahe hain, hamesha team ko confidence hi diya, which is a great quality. लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि अब तक तो टूर्नामेंट में आपका परफॉर्मेंस, आपकी टीम का परफॉर्मेंस बड़ा जबरदस्त रहा है, लेकिन T20 में तो कुछ भी हो सकता है। 20 रन एक ओवर में आ सकते हैं और कुछ भी हो सकता है एलिमिनेशन राउंड्स में, जिसके चलते एकाएक आपकी टीम बाहर हो सकती है। तो आप रिजल्ट की गारंटी कभी भी नहीं करते। आई थिंक आप एक ही चीज की गारंटी कर सकते हैं, वो अपना 100% एफर्ट देना। वही मैंने शाहरुख को फर्स्ट टाइम बोला था कि रिजल्ट की गारंटी तो कभी भी कोई भी नहीं दे सकता। आप बेस्ट 11 2020 प्लेयर लाओ तब भी आपको कोई वो गारंटी नहीं दे सकते कि आप आईपीएल जीतेंगे। बट एक चीज हम गारंटी कर सकते हैं कि जब भी फील्ड में जाएंगे तो अपना 100% देंगे और कोशिश करेंगे मैचेस जीतने की। यूसुफ पठान के परफॉर्मेंस से आप थोड़े निराश नहीं कि $2.1 मिलियन उन पर खर्च हुए, लेकिन खेल तो उस हिसाब से है नहीं? मेरे को नॉर्मली इंडिविजुअल्स के बारे में बात करना इसलिए भी नहीं अच्छा लगता क्योंकि मैं टीम स्पोर्ट खेलता हूँ। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि टीम का कैसा परफॉर्म करिए, वो ज्यादा मैटर करता है रादर देन इंडिविजुअल्स। यूसुफ अच्छा करे होते और टीम टॉप पे ना होती तो आई थिंक कोई भी खुशी ना मिलती। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि टीम अच्छा करे और समय डाउन द लाइन अभी भी काफी मैचेस है, तो यूसुफ इतने अच्छे क्रिकेटर हैं कि वो कभी ना कभी परफॉर्म करेंगे और मैचेस सिंगल हैंडेडली जिताएंगे। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप खुद दिल्ली के लड़के, दिल्ली की टीम के कप्तान होते तो दिल्ली में जिस तरह से शोर मचता है अगर गौतम गंभीर बैटिंग करने आता है, वो कभी कोलकाता में वो बात तो नहीं हो सकती? बिल्कुल। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट अब ना मैं अपने आपको दिल्ली का लड़का कहता हूँ बिकॉज माई हार्ट एंड माई सोल इज विद केकेआर एंड कोलकाता। तो कहने की बात ना, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मैं ये सिर्फ कहने की बात नहीं, आई थिंक मैंने अपने हर इंटरव्यू में बोला एंड इट कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट की आई एम अ कोलकाता बॉय, माई हार्ट एंड सोल इज फॉर कोलकाता। मेरे से पीछे भी किसी ने पूछा था कि हाउ डज इट फील कमिंग बैक टू कोटला विच इज योर होम ग्राउंड, एंड आई सेड इट वॉज माई होम ग्राउंड नॉट एनी मोर, माई होम ग्राउंड इज इन एंड आई स्टिल नो। जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो जितना शोर वहां पर मचता है उतना कभी कोटला में कभी भी नहीं मचा। चलिए ये बताइए कि सौरव गांगुली के खेल को लेकर काफी लोगों ने कहा कि अब वो भाग नहीं पा रहे उस स्पीड से, उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो भी थोड़ी खराब हुई। हालांकि बहुत सीनियर, बहुत दिग्गज, प्रतिष्ठित खिलाड़ी रहे, लेकिन वर्तमान में उनके फॉर्म को देखते हुए आपको लगता है कि अब उनको बस बस कर देना चाहिए क्रिकेट को?
आई थिंक फॉर्म इज टेम्पररी, आपने ये भी सुना होगा बहुत लोगों की फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, मुझे हमेशा लगता है वो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, वो उनका पर्सनल डिसीजन है, कभी भी खेलना ना खेलना, कब छोड़ना कब तक खेलना, ये हर इंडिविजुअल का पर्सनल डिसीजन होता है, हर इंडिविजुअल डिसीजन होता है, ना कोई इसको इंडिविजुअल पे फोर्स कर सकता है ना करना चाहिए, बिकॉज पहले भी बहुत बातें हुई है लोगों की रिटायरमेंट को लेकर, और अब जैसे आप सौरभ के बारे में कह रहे हैं तो ये बहुत पर्सनल और इंडिविजुअल डिसीजन, जब तक उनको लगता है कि वो अच्छा खेल सकते हैं उनको खेलना चाहिए, बाकी परफॉर्मेंस होना ना होना इट रियली डिपेंड्स कि किस तरीके के फॉर्म में आप, और फॉर्म में आने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक या दो मैचेस लगते हैं जब आप फॉर्म में होते हैं तो वही आप ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल आपको पता है कि कभी भी आपका बैड फॉर्म आ सकता है, तो फॉर मी आई थिंक फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, और वो क्लास उनमें है। पिछली बार जब केकेआर रक्षा कर रही थी, शाहरुख खान ने कहा था कि अगर टीम जीत जाए तो मैं स्ट्रिप करूंगा, पूरे ग्राउंड में नाचूंगा, क्या इस बार भी कुछ ऐसा वादा किया है उन्होंने आपसे? बिल्कुल नहीं, आई थिंक शाहरुख बड़े लो प्रोफाइल है इस टाइम, और अच्छा है कि लो प्रोफाइल है, बिकॉज अल्टीमेटली टीम को अंदर परफॉर्म करना है शाहरुख को नहीं, शाहरुख सिर्फ बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, इट्स 11 पीपल हु विल गो ऑन द फील्ड, दे हैव टू परफॉर्म एंड विन गेम्स फॉर केकेआर, शाहरुख सिर्फ बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, अपना थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, बट वो अंदर जाके परफॉर्म नहीं कर सकते, तो जितना वो लो प्रोफाइल रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज केकेआर एज वी ऑल नो इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टीम, तो जितना आप लो प्रोफाइल रखें टीम को उतना ही कम प्रेशर। आप कभी कहते हैं शाहरुख को कि देखिए ये सब बोलिए मत, ज्यादा नाचिए गाइए मत, खेलने हमें दीजिए, बस शांत रहिए थोड़ा? नहीं, ही इज रियलाइज इट हिमसेल्फ, आई थिंक इतने इतने इंटेलिजेंट है वो कि उनको पता है कि अल्टीमेटली उनका काम ऑफ द फील्ड है, ऑन फील्ड वो कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते, तो उन्होंने सारा क्रिकेटिंग मैटर्स और क्रिकेट संभाल रहे उनके हाथ में छोड़ रखी है, तो अच्छा है कि अभी तक उन्होंने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, होपफुली आगे भी नहीं करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली क्रिकेट अच्छा खेलेंगे तभी केकेआर का नाम होगा, बाकी ऑफ द फील्ड चीजों से कभी भी नाम नहीं होता। चलिए अब तक हमने बात की आईपीएल की, ले रहे हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही। ऑस्ट्रेलिया में लगातार हार हुई, गौतम का वहां पे फॉर्म अच्छा नहीं था, क्या इसी तरह से जब जब भारतीय टीम बाहर जाएगी हार होती रहेगी, या फिर भारतीय खिलाड़ियों का कोई प्लान है, वो प्लान क्या है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सीधी बात। आप देख रहे हैं सीधी बात। आईपीएल में तो भारतीय टीम के सारे खिलाड़ी छक्के चौके लगा रहे हैं, लेकिन यही खिलाड़ी जब ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग कर रहे थे बैट भी बॉल पे नहीं आ रही थी। इतना बुरा हाल हमारा क्यों हुआ, और क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम के खिलाड़ी केवल और केवल हिंदुस्तान की पिचों पर ही दहाड़ सकते? आई थिंक उससे पहले हम साउथ अफ्रीका में खेले थे वर्ल्ड कप से पहले, आई थिंक दैट वाज आई स्टिल फील सबसे ज्यादा टफ टूर है आज तक, टफर देन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, जिस तरीके की उनकी बोलिंग अटैक थी, उधर अगर हमने सीरीज ड्रॉ करी है तो आई थिंक हाँ ऑब्वियसली जब आप 8 टेस्ट मैच लगातार हारे बाहर तो लोग डाउट तो करेंगे, बट मेरे को ऐसा कभी भी नहीं लगता कि हमारे पास टैलेंट नहीं है कि हम। तो फिर क्या हुआ आपके हिसाब से? अब तो काफी वक्त हो गया आपको सोचने का भी मौका मिला, इतनी बुरी पिटाई इंग्लैंड में हुई, उससे बुरी पिटाई ऑस्ट्रेलिया में हुई, लग रहा था कि ये मौका होगा कि भारतीय टीम के सब बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े नाम है, और ऑस्ट्रेलिया जो कि उस वक्त कमजोर समझी जा रही थी उसको हम हरा देंगे, एकदम उल्टा हुआ? देखो कई बार आपको अपोजिशन को भी क्रेडिट देना चाहिए, आपको सिर्फ अपनी टीम को नहीं बोलना चाहिए कि जब भी ये टीम बाहर जाती है इंडियन टीम इज द फेवरेट, कई बार आपको अपोजिशन को भी क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेले मे बी दे वो मच मोर वेल प्रिपेयर्ड, और हमेशा मैंने ये रियलाइज किया है या हमेशा मैंने ये बोला भी है कि जब भी आप ऐसे टफ टूर पे जाए तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप देखिए कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, तो वो एक महीना पहले आशीष से एक महीना पहले हम भी तो पहले पहुंच गए थे इस बार प्रैक्टिस करने के लिए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। आई थिंक हम सिर्फ एक ही साइड गेम खेले वो भी 2 दिन का, तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि अगर आप थोड़ा जल्दी जाएं और ज्यादा बेटर प्रिपेयर करें तो वो ज्यादा हेल्पफुल करेगा, बट एट द सेम टाइम अगर हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो वी डोंट डिजर्व टू विन, और ऑस्ट्रेलिया ने मच बेटर क्रिकेट खेली, हमारे को हमेशा अंडर प्रेशर रखा, और तीनों डिपार्टमेंट्स में उन्होंने हमसे बेटर क्रिकेट खेली है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो और फील्डिंग हो, तो अगर आप दूसरी अगर आपकी ऑपोजिशन अच्छा खेलेगी तो वो डिजर्व करते हैं जीतना, अगर आप अच्छा नहीं खेलते तो यू दिस द रिजल्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। लग ये भी रहा था कि शायद ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है, कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनमें कोई तनाव है, आपस में शायद बन नहीं रही, इसकी भी खूब चर्चा हुई, क्या कुछ था ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक ये सिर्फ मीडिया क्रिएटेड स्टोरीज थी, कभी भी कोई रिफ्ट नहीं थी, और जिस तरीके से मीडिया ने इतनी कॉन्ट्रोवर्सी उछाली है कोई भी ऐसी बात नहीं है, थिंकिंग बदल सकती है लेकिन एम नहीं, जो भी लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे उनका एक ही एम है कि इंडियन टीम को जिताना और इंडिया के लोगों को आई थिंक खुशी देना और मैचेस जिता के उनके चेहरे पे खुशी लाना, तो ये सबका एम रहता है,
अंदर थिंकिंग बदल सकती है। फैमिली में भी जब आप अपनी फैमिली में भी होते हो तो हर इंसान की थिंकिंग सेम नहीं होती, तो बट उनका एम एक ही होता है कि सब खुश रहें। एट द सेम टाइम जब आप टीम में भी खेलते हो तो अंदर ड्रेसिंग रूम में अगर 15 या 16 लड़के हैं तो सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं रहेगी, बट एम ही एक एम एक ही रहता है कि इंडियन टीम को जिताना। पर आपका एक बयान था जिसको लेकर खूब बवाल मचा, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धोनी को 48 ओवर में ही मैच खत्म कर देना चाहिए, तो उसके बाद हुआ कि अरे एक खिलाड़ी अपने कप्तान के खिलाफ बोल रहा है, उसको आपने कैसे देखा इस पूरे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी ये बयान दिया भी नहीं था, मैंने ये बोला था कि अगर हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं तो हमारे को अगर सीरीज में अच्छा करना है ट्राई सीरीज में तो हमारे को डोमिनेट करना चाहिए। और सिर्फ मैंने धोनी के बारे में नहीं, ओवरऑल टीम के बारे में बोला था कि अगर हमारे को डोमिनेट करना है तो हमारे को ऐसे 230-235 के टारगेट जल्दी खत्म करने चाहिए। और वो मैंने अपने आप को भी लेके बोला था, क्योंकि उस मैच में मैंने 92 ओवर बनाया था और रनआउट हो गया था। तो इसमें किसी इंडिविजुअल के बारे में मैंने नहीं बोला था कि धोनी को एंड तक नहीं लेके जाना चाहिए, मैंने ये बोला था कि अगर हमारे को ये सीरीज जीतनी है या सीरीज में अच्छा करना है और हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं तो हमारे को डोमिनेट करना चाहिए ऐसी टीम्स के अगेंस्ट, चाहे वो श्रीलंका हो, और ऐसे टारगेट्स को हमारे को जल्दी अचीव करना चाहिए। तो इसमें आई थिंक मैंने कोई गलत नहीं बोला, बिकॉज आप वर्ल्ड चैंपियंस होते तो आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हो मैचेस में और बाकी टीम्स के अगेंस्ट डोमिनेटिंग तरीके से जीतना चाहते हो। तो इसमें अगर मीडिया ने कोई एक लाइन उठाई है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दैट वॉज माई नॉर्मल स्टेटमेंट कि हमारे को इस सीरीज में अगर अच्छा करना है तो हमारे को डोमिनेट। बात ये लगी कि विवाद है, एक तरफ दिल्ली के लड़के हैं, गौती है, वीरू है, और दूसरी तरफ चेन्नई का पूरा गैंग है जिसमें धोनी है, और शायद टीम पूरी तरीके से डिवाइडेड है, विभाजित है। बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक ना कभी ऐसा कोई रिफ्ट था, ना कभी होपफुली आगे कभी ऐसा रिफ्ट होगा, ना धोनी और मेरे में कोई रिफ्ट है, ना वीरू और धोनी में कोई रिफ्ट है। अल्टीमेटली मैंने आपको पहले भी बोला कि कई बार थिंकिंग बदल सकती है, हर इंसान डिफरेंट तरीके से सोचता है, और बट इम्पॉर्टेंट थिंग एक ही है कि हमारा गोल एक ही है कि इंडियन टीम को जिताना और इंडिया का नाम रोशन करना होगा, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी ये जो रिफ्ट है ये सब मीडिया क्रिएटेड था, बाकी ऐसा कोई रिफ्ट भी नहीं था, ना होपफुली आगे भी नहीं होगा। जिस तरह से आपने प्रदर्शन दिया है कोलकाता के लिए, जिस तरह की आपने कप्तानी दिखाई है, उससे आपको तो काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा अपनी कैप्टनसी कैपेबिलिटीज में भी, क्या आपको लगता है कि कभी आप भारतीय टीम के कप्तान बनना चाहेंगे? आई थिंक मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, ना मैं कभी, अगर आता है तो इट्स द बिगेस्ट ऑनर, अपनी कंट्री को लीड करने से बड़ा ऑनर कोई भी नहीं है, बट कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है कि मेरे को कैप्टनसी करनी है, अगर वो आती है तो वो आती है। मेरे को जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या कोई भी जॉब दी गई है तो मैंने यही कोशिश की है कि उसे करूँ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, चाहे वो जब मैंने इंडिया के लिए कैप्टनसी करी थी 5 मैचेस, चाहे मैंने दिल्ली डेयरडेवल्स के लिए करी थी या दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में करी या अब केकेआर के लिए करी है, तो यही कोशिश करिए कि पूरी पूरी ऑनेस्टी से करूं, और जब भी करूंगा पूरी ऑनेस्टी से करूंगा। क्योंकि सवाल इसमें बहुत उठे कि धोनी के बाद कौन, और शुरुआत में बात हो रही थी गौतम गंभीर की, लेकिन अब आप वाइस कैप्टन थे, अब वाइस कप्तानी का जो काम है वो विराट कोहली को दे दिया गया है, जब ये हुआ आपने उसको कैसे देखा? क्या आपको बुरा लगा कि वाइस कैप्टन तो मैं था, अगला कप्तान तो मैं था, अब इस कल के लड़के को बना दिया आपने वाइस कैप्टन? वाइस कैप्टन थी कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको मैं लेके पैदा हुआ था। आई थिंक मैंने क्रिकेट जब खेलनी स्टार्ट करी थी तो यही सोचा था कि बैटिंग करूंगा, रन बनाऊंगा और इंडिया को जिताऊंगा, और अभी भी एम वही है। ठीक है, वाइस कैप्टनसी कभी, आई थिंक वाइस कैप्टनसी इज जस्ट अ डेजिग्नेशन, एक सिर्फ जॉब है। अल्टीमेटली आप वाइस कैप्टन बनो या कैप्टन बनो, अल्टीमेटली आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा ना। आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बनो और आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही हो तो आपको कोई भी खुशी नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली जब कोई भी क्रिकेटर या कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है, चाहे वो बॉलर हो बैट्समैन, तो उसको अपनी, अगर वो बॉलर है तो उसको विकेट लेना में ज्यादा खुशी मिलती है, अगर वो बैट्समैन है तो उसको रन बनाने में ज्यादा खुशी मिलती है और टीम को जिताने में। तो अल्टीमेटली आप क्रिकेट वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी के लिए नहीं खेलते, आप क्रिकेट खेलते हैं कि अपनी टीम को जिताएं अपनी परफॉर्मेंस से, और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जिता रहे हैं तो उससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैप्टन है कि वाइस कैप्टन, तो अगर आप कैप्टन है वाइस कैप्टन है तो आपकी तब भी प्लेस गारंटेड तो नहीं है ना टीम में, अगर आपको तब भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आप कैप्टन है और आप नहीं भी परफॉर्म करें तो आप टीम में रहोगे, अल्टीमेटली आपको तब भी परफॉर्म करना पड़ेगा। आप टीम में एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट नहीं होते, आप टीम में एज अ बैट्समैन और एज अ बॉलर सिलेक्ट होते हैं। अगर आपको अगर आप बैट्समैन है तो आपका जॉब है पहले रन बनाना, उसके बाद में वाइस कैप्टन बनते हैं। अगर आप बॉलर हैं तो आपका काम है पहले विकेट लेना, उसके बाद में आपकी डेजिग्नेशन आती है। आप टीम में कोई किसी भी टीम में मुझे नहीं लगता कि कोई भी एज अ कैप्टन या एज अ वाइस कैप्टन सिलेक्ट होता है, अल्टीमेटली पहले आपका काम है रन बनाना, परफॉर्मेंस देना, उसके बाद बाकी चीजें आती है। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम गौतम से पूछेंगे भारतीय टीम के भविष्य के बारे में, क्योंकि सचिन तेंदुलकर कभी भी अगले कुछ महीने में रिटायर हो सकते हैं, राहुल द्रविड़ रिटायर हो चुके हैं, लक्ष्मण कभी भी रिटायर हो सकते हैं, तो इन सब खिलाड़ियों के जाने के बाद क्या भारतीय क्रिकेट को संभालने वाले लोग हैं, कौन है ये, कहां से नए खिलाड़ी आ रहे हैं, पूछेंगे ये सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधी बात। आप देख रहे हैं सीधी बात।
खूब चर्चा हो रही है सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट को लेके। जैसे खिलाड़ी पहले हुआ करते थे अब नहीं, रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं है उस तरीके से, बॉलर्स को डोमिनेट नहीं कर पाते। आपने तो इतना वक्त उनके साथ बिताया, आपको लगता है कि उनके रिटायर होने का टाइम आ गया है? बिल्कुल नहीं, मैंने पहले भी बोला कि बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है। अभी आपने सौरभ के बारे में भी पूछा तो मैंने यही बोला कि बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है। जब तक एक इंसान को लगता है कि वो खेल सकते हैं और 100% दे सकते हैं फील्ड में, तब तक उनको देना चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर। आई थिंक अगर उनको लगता है कि वो अभी भी डोमिनेट कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं इंडिया के लिए और इंडिया को मैचेस जिता सकते हैं, चाहे वो अगले 5 साल तक उनको लगे, तो उनको खेलना चाहिए, बिकॉज एज इज जस्ट। आपको नहीं लगता कि वो एक नए खिलाड़ी की जगह भी घेर रहे हैं? क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद अजिंक्य रहाणे या कोई भी नया खिलाड़ी, इस वक्त उसकी रिफ्लेक्सेस अच्छी हैं, फॉर्म में है, यंग है, वो ज्यादा मैच जिता सकता है बनाम इसके कोई ऐसा खिलाड़ी जिसका नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन इस वक्त उम्र के चलते उस फॉर्म में वो नहीं है, उस तरह से डोमिनेट नहीं करता। देखो फॉर्म इज टेम्पररी, जैसे मैंने बोला फॉर्म एक ऐसी चीज है, वो कभी अच्छी फॉर्म में रहोगे कभी आप खराब फॉर्म में रहोगे। बट एज, जहां आप एज की बात करें तो एज इज जस्ट द नंबर। अगर सचिन तेंदुलकर या बाकी वीवीएस लक्ष्मण या बाकी लोगों को लगता है कि वो अभी इंडिया के लिए अगले 2-3 साल या 5 साल, क्या लगता है आप बार बार बोल रहे हो कि उनको लगता है, आपको क्या लगता है? देखो मेरा मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली इंडिविजुअल का डिसीजन है। आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हो, आईपीएल देखते हो, आपको कोई ऐसे खिलाड़ी नजर आते हैं जो आपको लगता है कि सचिन की जगह, लक्ष्मण की जगह, द्रविड़ की जगह ले सकते हैं? वो बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज जिस तरीके से उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से उन्होंने इतने सालों तक परफॉर्म किए, आई थिंक इंडिया के लिए खेलना आसान है बट वहां पर सस्टेन करना और कंटिन्यूसली परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक है टैलेंटेड खिलाड़ी, समवन लाइक रोहित शर्मा, आई हैव अ लॉट ऑफ, आई थिंक मेरे को लगता है कि वो एक इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं कि पर कभी टैलेंट पे खड़े नहीं उतरते। आई थिंक लगता है कि खेल के बाहर उनके ज्यादा इंटरेस्ट, वो एक थोड़ा ऐसी कोई बात नहीं, आई थिंक बहुत फोकस है ऑस्ट्रेलिया में। मेरे को बिल्कुल जिस तरीके से वो फोकस थे, आई थिंक जितना उनमें टैलेंट है, होपफुली अभी तक उन्होंने उस टैलेंट को नहीं, उस टैलेंट तक खड़े उतरे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं उतरेंगे। आई थिंक मेरे को लगता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फॉर समवन लाइक रोहित शर्मा और होपफुली ही विल कम गुड। चलिए गौतम, आप सीधी बात के इस कार्यक्रम में आए, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी गौतम गंभीर के साथ सीधी बात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sd@aajtak.com। इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/seedhibaat। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। Thank you.